अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे जो मेजरमेंट्स जा रहे हैं, जैसे 3.5 पे मार्क करो, एक 3.5 आता है यहाँ, फिर उसके ऊपर गए, ये 3.4 से कितना राइट में आ रहा है, उसके मेजरमेंट लो 0.5 4 सेंटीमीटर, फिर उसके ऊपर वाला 0.8 सेंटीमीटर, तो 0.4 सेंटीमीटर और 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है इस तरीके से। और ये अपन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इनको ड्राइ करते हुए, बहुत लाइटली ड्रॉ करना है अभी, कुछ भी एकदम बहुत डार्क नहीं करना, और खासकर ग्रिड्स, ग्रिड्स बहुत ज़्यादा डार्क मत ड्रॉ करना, ठीक है, फिर बाद में इरेज करने में प्रॉब्लम होता है जब, क्योंकि इसमें एकदम पेपर वाइट है, अपन को एक भी लाइन नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ, उसके बाद अब देखो जो फिंगर आ रही है ये, वो कहाँ से आ रही, तो इसके नेल का देखो कट, पहले नेल बनाएंगे, उसके बाद ये जो पूरी फिंगर आ रही है वो बनाएंगे। ये नेल कहाँ कट कर रहे हैं, 2.7 पे, 2.7 पे नेल की जो विथ है वो कितनी है, 0.7 सेंटीमीटर, तो 0.7 सेंटीमीटर, और ये कितने ऊपर से कट कर रहा है, 0.5, तो यहाँ से कितने ऊपर 0.5 है, यहाँ, या एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, इससे 0.7 सेंटीमीटर नीचे डिस्टेंस लोगे, यहाँ आएगा, तो यहाँ से कर्व करके इस तरीके से पीछे ले जाओ। अब इसकी लेंथ कितनी है, तो दो लेंथ है, एक यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक वो आती है 1.8 सेंटीमीटर, और फिर एक आती है कि ये जो स्ट्रेट लाइन कितनी बन रही है यहाँ से यहाँ, वो आती है 1.4, तो 1.8 मैंने पूरी है और 1.4 जो है वो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट है ये, फिर यहाँ से धीरे धीरे कर्व हुआ, ओके इस तरीके से फिंगर नेल पर आपका। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर उठता है कर्व होते होते, यहाँ कट किया, ओके तो ये कितना राइट में इस पॉइंट के, 2.6 के, 0.7 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से कितना ऊपर है, 0.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से कितना राइट है, 0.9 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैंने मार्क किया 0.7, यहाँ मार्क किया मैंने 0.5, और यहाँ मार्क किया मैंने 0.9। अब ये जो मार्किंग्स लगा रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि बहुत डीप डॉट्स लगाना है, आराम से ही लगाना। फिर ये नीचे वाली कितनी आती है, ये आती है 0.4, यहाँ ऐसा नहीं करना कि अब एक पूरा कर्व बना दो, नहीं, यहाँ से ऐसे उठा, ठीक है, फिर राइट की तरफ टर्न मारा इसने, फिर से थोड़ा राइट की तरफ टर्न मारा, फिर ये हिस्सा देखो फ्लैट सा है थोड़ा, ये हिस्सा ऐसे थोड़ा फ्लैट सा है, ऐसे कर्व आया, फिर ये है, ये भी हल्का सा फ्लैट ही है, फिर कर्व आया, इसने हल्का सा अपने फ्लैट बनाया ऐसे, और फिर इधर की तरफ ऐसे कर्व्ड कर दिया, ओके तो ये अपनी फिंगर बन जाती है। अब अपन पेपर का ये वाला साइड बना रहे, ठीक है, ये मैं एक बार में इतना बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई डिफिकल्ट नहीं है अभी, तो अपन एटलीस्ट एक पोर्शन कंप्लीट करें, ठीक है, तो ये पेपर बनाना आसान है, हाथ थोड़े कपकपाते हुए से जैसे बनाते ना अपन, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, मेरे को फॉलो करो, देखो ऐसे ये है, ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं बनाना, थोड़े ऐसे हाथ शेक से करो, ओके हल्के से, और ये पेपर की आउटलाइन बहुत हल्के से बनानी है अपन को, पेपर की आउटलाइन जैसे ये 3.2.3 पे कट कर रहा है, तो पेपर की आउटलाइन बहुत हल्के से बनानी है, शेप वही रखना है जैसे इसमें दिख रहा है, ऐसे ये कर्व्ड आ रहा है पूरा यहाँ तक ऐसे, ठीक है, हाथ थोड़े से शेक करें, बहुत ज्यादा शेक भी नहीं करना, यहाँ तक ऐसे है, ऐसे इस तरीके से क्या हुआ, अपना एक फिंगर भी बन गई, एक पेपर वाला पोर्शन भी आ गया, तो पहले इतना करो, उसके बाद फिर अपन आगे वाला पोर्शन करते हैं। तो फिंगर्स की देखो सेकंड पे आते हैं, इसकी नेल बनाना है, तो ज्यादा देखो अभी
बहुत ज्यादा ऐसे हर एक की एक एक मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं होती, अंदाजा लग जाता है। जैसे देखो ये यहाँ इस पॉइंट से निकल रही, कौन सा पॉइंट है, 3.8, तो 3.8 पे मार्किंग लगाई, ठीक है, ये डियर इसी को टच कर रहा है, ऑब्वियसली उतना। अब अपन को जो मार्किंग्स लगानी होती है वो कहाँ होती है, कि ये कितना इसके एक्सटेंड में जा रहा है, ऐसा नहीं कि अपन एकदम बहुत पॉइंटेड बना दो या फिर एकदम इस लाइन से चिपका दो, नहीं। तो इसका डिस्टेंस कितना है इस लाइन से, 0.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक मार्किंग लगाओ कि लाइक इससे ज्यादा आगे नहीं जानी चाहिए फिंगर। फिर एक ये मार्किंग लगाओ कि कितना नीचे कट कर रहा है ये, तो ये आता है 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6 सेंटीमीटर आया। फिर एक ये करो, 0.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे मैंने फिंगर नेल की बताई थी, फिंगर नेल की लेंथ कितनी है, तो वो निकालो, तो वो आती 1.8 सेंटीमीटर। इस लाइन से कितना आगे है, 0.7 सेंटीमीटर, तो 0.7 सेंटीमीटर ऐसे कर्व किया। इसकी विथ कितनी है, तो वो देखो, वो आती 0.8 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ओके, फिर यहाँ पे कितने सेंटीमीटर नीचे इस लाइन से, 0.8, 0.8 पे मार्क किया, तो अपन को मार्किंग्स मिल गए यहाँ पे, ठीक है। तो धीरे से इसे उठाया, ये डियरली ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, हल्का सा कर्व होके ऊपर आया, ठीक है, ऐसे नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ ज्वाइन कर दो, हल्का सा कर्व होके आया ऊपर। फिर यहाँ पे एक कट करना है, ये कितना सेंटीमीटर है, ये है 0.9। ओके, ऐसे हुआ, हल्का सा यहाँ पे कट आएगा ऐसे। मैंने क्या बोला, ये स्ट्रेट लाइन सी है थोड़ी, ये यहां से ऐसे थोड़ा स्ट्रेट जाएगा कर्व होते ऊपर, हल्का सा कर्व होके ये आया, इस लाइन को क्रॉस किया और यहां से यहां तक स्ट्रेट है, तो हल्का सा इस लाइन कर्व होते हुए आया, इस पॉइंट को क्रॉस किया और यहां से ऐसे ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये अपनी फिंगर नेल जो है वो बन गई पूरी एक फिंगर। सेम तरीके से अपन बाकी भी बनाएंगे, ओके, तो वो भी देखो। अब ये फिंगर नेल की विथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ओके, तो यहां से मार्किंग होगी 1 सेंटीमीटर की। इस लाइन से कितना लेफ्ट और इस लाइन से कितना राइट है वो चेक करें, तो 1 सेंटीमीटर लेफ्ट पूरा, और पॉइंट ऊपर है 0.7 और नीचे है 0.9, यहां से 1 सेंटीमीटर, ऊपर से 0.7, नीचे से 0.9। अब ये ऊपर से 0.7 नीचे से 0.9 का मतलब क्या होता है, ये देखो कर्व में है, ये यहां से थोड़े टेढ़े में आ रहा है, जबकि सामने क्या है, सामने एक सिंपल सा कर्व है, इस तरीके से। फिर बाकी की फिंगर सिंपल है, इसको क्रॉस करते हुए जा रही है इतनी धीरे से ऊपर यहाँ, तो ये एक पेपर नॉर्मल सा आ रहा है, वो कितने सेंटीमीटर राइट है इसके, 0.9, तो 0.9 सेंटीमीटर पे यहाँ से पेपर जाएगा ऐसे। ओके, फिंगर दोबारा कहाँ से रिज्यूम हो रही है, यहाँ पीछे से। ये भी देखो कि मैक्सिमम कितना जा रही है, अपन नहीं चाहते इस लाइन पे टच हो जाए, तो ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.5। देखो जितने ज्यादा स्केच बनाते जाओगे अपने आप मेजरमेंट का अंदाजा होता जाता है कि कितने की डिस्टेंस पे है। ये स्ट्रेट है लेकिन थोड़ा डायगोनल में, ओके, इस तरीके से कर्व होते हुए आएगा। अब नीचे वाले जो ये दो मेजरमेंट है कि कितना ऊपर है इस लाइन से, तो ये है 0.5 और ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 0.5 और ये है 1 सेंटीमीटर, तो यहां से ऐसे कर्व करते हुए लगाया, ये देखो स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा अंदर की तरफ कर्व्ड है, हल्का सा अंदर की तरफ कर्व्ड है, हल्का सा, ऐसा नहीं एकदम पूरा यू शेप बना दो। फिर यहां से आया, ये ऐसे में कर्व्ड है, तो ये अपनी जो फिंगर है तीसरी वाली वो भी ड्रॉ होगी। यहां से एक और पेपर का पार्ट जा रहा है ये, और फिर एक यहां से निकल रहा है ऐसे स्ट्रेट, तो ये जो पेपर जा रहा है इसका मेजरमेंट ले लो 1.1 से। ओके, ये जो फिंगर नेल है
इसके मेजरमेंट लेंगे अगर अपन, तो कहाँ से आ रहे हैं, 2.10 से, 2.10 से इसकी लेंथ और विड्थ देखते हैं। इसकी लेंथ तो पूरे एक ब्लॉक के बराबर है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यह पूरा एक कर्व बनाया, इसके नीचे 1 सेंटीमीटर, ओके ये फिंगर नेल आया। बाकी के मेजरमेंट्स भी चेक करेंगे, जैसे ये या ऊपर से कितने में कट कर रहा, ठीक है। ये जो 5 मेजरमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी लाइंस पे कितने सेंटीमीटर पे कट कर रहा है ये। इस पॉइंट से कितना ऊपर है, 0.5, इससे 1 सेंटीमीटर, इससे 1 सेंटीमीटर, इससे 1.6, यहाँ से 1.6, 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.6, और ये भी 1.7। ये अपने मेजरमेंट है, सिंपली ज्वाइन करना है, बहुत ज्यादा ऐसे उल्टे सीधे तरीके से नहीं, हल्के से कर्व से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को क्रॉस करा, अपवर्ड फेसिंग कर्व आया है हल्का सा एक। इस लाइन को क्रॉस करते हो तो ये हिस्सा ध्यान रखना, ये स्ट्रेट है, ऐसे यहाँ पे कर्व होएगा, ठीक है। फिर ये हिस्सा ऊपर की तरफ कर्व रहेगा, ये भी फ्लैट है और यहाँ पे कर्व के साथ ज्वाइन होगा। ऐसे नहीं करना कि एकदम बहुत पॉइंटेड कर्व के साथ करते हैं, स्मूथ कर्व होना चाहिए, और ये पोर्शन एक कर्व के साथ ज्वाइन होगा, ठीक है। इस तरीके से अपना लेफ्ट हैंड जो रहता है वो बन गया। यहाँ पे अपन को बस एक चीज और करनी है, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये पेपर का मेजरमेंट लो, ये है 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन आई, हल्के तरीके से बस ऐसे थोड़ा हाथ थोड़ा सा शेक होना चाहिए, ओके। ये नियरली स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखो हल्के हल्के से हाथ शेक हो रहा है, मतलब एक रियलिस्टिक लुक देना है अपन को कि पेपर फटा हुआ सा है, उसके लिए हाथ हल्का हल्का, वैसे नहीं बहुत बारीक तरीके से हिल रहा है तो ऐसे डॉट 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 लग रही है, नहीं, थोड़े से अपन को ये उबड़ खाबड़ रास्ता टाइप बनाना है, तो हल्का हल्का, और ये फिर कर्व होते हुए जो आ रहा है यहाँ तक, ये नॉर्मली ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन आता है, ओके। अब ये थोड़ा ऐसे पॉइंटेड सा जा रहा है, इस तरीके से लाए इसे नीचे, ऊपर पॉइंटेड, ये थोड़ा स्ट्रेट जाएगा ऐसे, फिर से वैसे ही थोड़ा ऊबड़ खाबड़ टाइप। ये यहां से लेके यहां तक, ओके, पूरा एक प्रॉपर कर्व टाइप है, हल्का सा कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन हल्का कर्व। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कैसे 0.5, 0.6, 0.8, 1, 0.5, 0.6, 0.8, 1, फिर नीचे वाले पे आए 1.2, 1.4, 1.2, और फिर ये 1.4, ये किया। इसको हल्के से ज्वाइन करते गए कर्व के साथ, ऐसे नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन, हल्के से कर्व के साथ, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे एक कर्व से आ रहा है, कौन सा, लाइन नंबर 7 के ऊपर, ये और फिर ये यहां से अलग निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिंगर्स बनेंगी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं।
आज के लिए इतना काफी है। राइट साइड वाली फिंगर से स्टार्ट करते हैं, ये जो आ रही है अपनी, थोड़ी आउटलाइन इसकी ब्लर सी है तो उसको जरा क्लियर करेंगे। तो यहाँ से आ रहा है लाइन नंबर कौन सी है, 8। यहाँ से कर्व करते हुए आएगी, ठीक है। मेजरमेंट्स कहाँ से लेने, यहाँ पे कट किया 1.2 सेंटीमीटर और ये है 0.9, तो 0.9 ये रफ और 1.2 ये रफ। तो यहाँ पे कर्व होते हुए आया, यहाँ से यहाँ पूरा स्ट्रेट है, ऐसे कर्व हो कि ये स्ट्रेट हो गया, ओके। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये भी कर्व हुआ, नेल्स वाले पोर्शन भी सिंपली कर्व है, मतलब स्ट्रेट है, आगे जाके हल्का सा ये कर्व हुआ, ऊपर का पोर्शन पूरा यू शेप ऐसे, और फिर ये ज्वाइन हुआ। तो इस तरीके से नॉर्मली फिंगर्स बना ली, जैसे अपन ने ये लेफ्ट वाली बनाई थी सेम वही राइट वाली है। तो ये साथ साथ ही ड्रॉ करते जाओ, ओके। और
तो ये कहाँ से आ रही है, यानी 6.4 से, 0.4 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये है 1.8 सेंटीमीटर। तो 6.4 से 0.4 यहाँ पे, 1.8 यहाँ पे, तो कितना नीचे टच कर रही है इसे, 0.3। वो यहाँ मार्क किया, हल्का सा थोड़ा कांटेक्ट बना के रख रही है, थोड़ी फ्लैट सी, और फिर यहाँ पे टच कर रही है इस लाइन को। ये कितना है, ये है 1.4। ठीक है, तो अब ये मत करना कि यहाँ से एक सीधा कर्व उठा के यहाँ ज्वाइन कर दिया, नहीं, यहाँ से कर्व आया तो देखो पहले उठेगा थोड़ा, फिर वापस नीचे आया, ये कर्व किया, कर्व करके उठा, तो फिर ऐसे नीचे। फिर ये वाला हिस्सा भी सेम वैसे ही है, बस थोड़े कर्व के साथ है। एक मिनट, मेजरमेंट गलत हो गया, 0.7, थोड़ा और पीछे होना चाहिए इसे, थोड़ा और पीछे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन, और फिर ये ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आता है। अब यहां से एक नॉस्ट्रल आ रही है, ये ड्रॉ करेंगे, फिर ये कर्व वाला पोर्शन। ओके, तो इसके लिए जो मेजरमेंट्स है वो चेक करो, ये है 1 सेंटीमीटर पे, और ये ऊपर भी टच 1 सेंटीमीटर पे ही कर रहा है, ये नीचे 1 सेंटीमीटर, ऊपर भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से थोड़ा सा ही है, देखो थोड़ा सा निकल रहा है बस, तो यहाँ से कर्व करते हुए इस तरीके से। ओके, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल देखते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल के मेजरमेंट्स देखो, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जस्ट है, ये एकदम बीच में है, तो इसका भी मेजरमेंट देख सकते हैं कि इस लाइन से कितना ऊपर है, 1.3, और इस लाइन से कितना लेफ्ट है, 0.5। तो 1.3 सेंटीमीटर ऊपर मार्क करो, और 0.5, तो एग्जैक्टली यहाँ पे खत्म हो गया। ये सेम चीज नीचे वाले के लिए, इस लाइन से कितना नीचे है, 0.6 सेंटीमीटर, और इस लाइन से कितना लेफ्ट है, 0.3 सेंटीमीटर। तो 0.6 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, और 0.3 सेंटीमीटर यहाँ, तो अपना 3 पॉइंट्स मिल गया अपन को। ठीक है, यहाँ से कर्व करते हुए आ रहे हैं, 6 के शेप में आ रही है, ये आया, तो जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस किया, अंदर की तरफ कर्व होना स्टार्ट हो गया। ओके, बस नॉस्ट्रल बचती है, नॉस्ट्रल भी फ्री हैंड ड्रॉ कर लो तो अच्छा है, वरना कैसे कर सकते हो, इस लाइन से कितना राइट में है, 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 मार्क लगाया, इस लाइन से कितना ऊपर है, ये 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट जो जा रही है इसकी, यहाँ पे भी कट कर रहा है 0.5 सेंटीमीटर से, 0.5 पे ऐसे। और ये नॉस्ट्रल ड्रॉप हो जाती है, हल्का सा एक कर्व अंदर की तरफ ले लेना, इस तरीके से अपनी नॉस्ट्रल ड्रॉप हो गई। तो चिन वाला अगर अपन देखें, तो एक बार चिन की मेजरमेंट कितनी आ रही, यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1.2, तो 1 सेंटीमीटर, 1.2, कैसे आ रहा है, यहाँ से कर्व होते हुए धीरे धीरे बस। ठीक है, चिन वाला पोर्शन अपना इतने में हो जाता है। अब है अपने को क्या करना है, वी शेप लिप्स, तो कितने ऊपर है, ये है अपना, सेंटीमीटर, और यह है 0.6 सेंटीमीटर, यह है 0.7 सेंटीमीटर राइट, और 1.5 सेंटीमीटर राइट,
तो मैं मार्किंग लगाऊंगा अगर लाइन नंबर 7 से ऊपर और ये बगल वाला 0.6 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है 0.7, सही है ये 0.7 और ये 1.5, ठीक है। तो हल्का सा वी शेप अप कैसा होता है इस तरीके, हल्का सा, वैसे नहीं कि बहुत डीप बना दिया, हल्का सा ही है। बाकी लिप्स के मेजरमेंट पे आते हैं, पर आउटलाइन ड्रॉ कर लो इस पे। ये तो कर्व होते हुए डायरेक्ट इधर पे टच कर रहा है, ओके। तो इसकी बारी आती है 1.6 सेंटीमीटर और ये 1.3, तो 1.6 सॉरी 1.6 नहीं 0.6, 0.6 ये 1.3 और फिर ये नीचे वाला देखेंगे तो ये भी आता है 0.7 आता है, 0.7 यहाँ पे नीचे की तरफ। ये वाले पॉइंट्स का मेजरमेंट भी निकालना है कि ये कितना एंड पॉइंट है, क्योंकि ये तो ये लाइन से 0.7 सेंटीमीटर ऊपर और 0.3 सेंटीमीटर लेफ्ट, तो 0.7 सेंटीमीटर ऊपर, ओके। इधर से यहां तक पूरा एक परफेक्ट कर्व लाओ, ठीक है, ये अपर लिप हो गया। लोअर लिप का लोअर रीजन देखो तो वो कैसे है, वो थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, ठीक है, उसी तरीके से अपन को बनाना होगा। तो यहां से कर्व होते हुए आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर ये और 0.2 सेंटीमीटर नीचे, 0.5 सेंटीमीटर लेफ्ट और 0.2 सेंटीमीटर नीचे। इसका डिस्टेंस देखें अगर तो वो आता है 0.7 सेंटीमीटर, तो नीचे की तरफ कर्व किया, धीरे धीरे ले गए, इसे क्रॉस किया, इसे क्रॉस किया और फिर ये यहाँ ज्वाइन हो गया, ओके। फिर जो सेंटर लिप है, ठीक है, उसे ड्रॉ करेंगे तो उसके मेजरमेंट निकालो, तो 1.1 और 0.4, 1.1 और 0.4, ठीक है। इस तरीके से धीरे से कर्व आएगा, ये देखो दांतों के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है तो ये से अपवर्ड फेसिंग कर्व आ रहा है, वरना डायरेक्टली अपन ज्वाइन कर देते, तो हल्का सा ये अपवर्ड फेसिंग कर्व आया ऐसे और ये हो गया। अपर लिप को कुछ नहीं करना, अपर लिप में सीधा ही कर्व ज्वाइन चाह रहा है, यहां से बीच में जगह छोड़िए, यहां से लेके यहां तक ऐसे कर्व जाएगा और बीच में बस एक कर्व लगाना दांतों के लिए, अभी इतना काफी है, ओके। तो इस तरीके से लिप अपर लिप बन गया,